as you all know that cbsc has reduced the syllabus for the session 2020 and 21 cbsc deleted some parts from the science syllabus and what they deleted for this session due to pandemic covid 19 दैट सिलेबस वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे तो सी बी एस ई बोर्ड ने जो भी अपना टेंथ का सिलेबस थोड़ा डिलीट किया है टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन के सेशन के लिए कोरोना एपेडमिक की वजह से वो हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में क्योंकि ये जानना आप सभी के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है क्या चीज कम हुई है और क्या चीज़ हमें नहीं पढ़नी है साइंस सब्जेक्ट में जो सिलेबस डिलीट किया गया है वो हम आपको आज डिस्कस करेंगे साथ ही साथ में इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिस लिंक में सी का लेटर कि क्या पोर्शन डिलीट किया गया है साथ ही साथ में वहाँ एक आपको साइट मिलेगी जिसे क्लिक करने पर आप नाइन्थ और टेंथ दोनों का ही सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देख सकते हैं क्या डिलीटेड पोर्शंस हैं तो हम आज आपको इस वीडियो में जो डिलीटेड मैटर है जो आपको नहीं पढ़ना है इस सेशन के लिए और आई अगेन रिमाइंड यू कि ये सिलेबस जो कम किया गया है थर्टी परसेंट अप्रॉक्सीमेटली ये केवल इसी सेशन के लिए कम किया गया है आने वाले सेशंस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा ये केवल इसी सेशन के लिए है 2020 एंड ट्वेंटी तो आइए डिस्कस करते हैं क्या चीजें डिलीट हुई हैं क्या नहीं पढ़नी है देखिए क्लास टेंथ साइंस का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं डिलीटेड पोर्शन इन द थ्योरी थ्योरी में किन चीजों को डिलीट किया गया है क्या आपको नहीं पढ़ना है फॉर द सेशन टू ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन तो आइए देखते हैं अंडर यूनिट फर्स्ट जो फर्स्ट यूनिट साइंस का है दैट इज केमिकल सब्सटेंसेस ये केमिस्ट्री का पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं तो केमिकल सब्सटेंसेस में नेचर एंड बिहेवियर ये जो यूनिट है फर्स्ट यूनिट इसमें आपका एक चैप्टर है दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो मेटल एंड नॉन मेटल में आपको क्या नहीं पढ़ना है या क्या चीज नहीं आएगी वही चीज हम यहां केवल डिस्कस कर रहे हैं इनके अलावा बाकी चीजें सब पढ़नी है डिटेल में तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑल द मेटलर्जिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग इन दैट चैप्टर वो चीजें हटा दी गई हैं मेटलर्जी नहीं पढ़नी है मेटलर्जी से पहले का सारा हिस्सा पढ़ना है मेटलर्जी हमें बिल्कुल स्टडी नहीं करनी है इस सेशन के लिए कोई भी प्रोसेस उसकी नहीं आएगी ठीक है रोस्टिंग है कैल्सिनेशन है कंसंट्रेशन ऑफ ओर है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर है रिफाइनिंग है ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी तो आई अगेन सेड मेटलर्जिकल प्रोसेसेस ऑल द बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस आर डिलीटेड सेकेंडली इस चैप्टर में और क्या नहीं पढ़ना है कॉरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन इसी चैप्टर में इसके बाद कॉरोजन दे रखा है दैट इज इन सेकेंड चैप्टर देखिए फर्स्ट चैप्टर में भी कॉरोजन है फर्स्ट चैप्टर के एंड में कॉरोजन दे रखा है वही चीज यहां पर भी है कॉरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन तो ये चीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमको नहीं पढ़नी है तो बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस एंड कॉरजन एंड इट्स प्रिवेंशन आर डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर सेकेंड केमिस्ट्री में कार्बन एंडिट्स कंपाउंड चैप्टर है यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर गिना जाता है कार्बन एंडिट्स कंपाउंड में क्या चीज नहीं पढ़नी है नोमन क्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स जो हम आई यू पी एस सी पढ़ते हैं नेमिंग ऑफ द कार्बन कंपाउंड पढ़ते हैं वो चीज इस बार हमें नहीं पढ़नी है यानी कि नूमन को हटा दिया गया है नूमन में हेलोजेंस पढ़ते हैं आप एल्कोहल कीटोन एल्डिहाइड, एल्केन एल्काइन, इनके आई नेमिंग्स एंड सो ऑन ये चीज हटा दी गई है ये नहीं पढ़नी है क्या और नहीं पढ़ना है डिफरेंसेस बिटवीन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के जो कंपाउंड्स हैं सैचुरेटेड अनसेचुरेटेड उनके बीच के डिफ्रेंसेज भी नहीं पढ़ने हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसी चैप्टर में इसके बाद स्टार्टिंग के पार्ट के बाद ही दे रखी हैं क्या दे रखी हैं एडिशन रिएक्शन सब्सिट्यूशन कॉम्बिनेशन ऑक्सीडेशन ये सारी चीज़ें कंबशन हम पढ़ाते थे ऑक्सीडेशन इसके अंदर दे रखा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स एडिशन रिएक्शन दे रखी है सब्सट्रीशन ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है यानी कि आपको प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी है केमिकल कंपाउंड्स की ठीक कंबशन ऑक्सीडेशन एडिशन एंड सब्सटन रिएक्शन ये नहीं पढ़ना है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड चैप्टर के लास्ट में दे रखा है प्रॉपर्टीज दे रखी हैं उनकी तो ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ठीक ये हटा दिया गया है यानी कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में प्रॉपर्टीज इनकी जो भी दे रखी हैं और यूजेस दे रखे हैं यानी कि ये पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है साथ ही साथ में सोप्स एंड डिटर्जेंट्स को भी रिमूव कर दिया गया है तो केमिस्ट्री में दो चैप्टर्स में से आपको जो है वो पोर्शन डिलीट करके दिया गया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आई अगेन रिपीट मेटलर्जिकल प्रोसेस एंड करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन कार्बन एंड कंपाउंड नोमन क्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड हेलोजन एल्कोहल कीटोन एल्डिहाइड, एल्कीन एंड एल्कीन एल्काइन सॉरी ये नहीं पढ़ना डिफ्रेंसेज बिटवीन द सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडेशन सब्सटन रिएक्शन एडिशन एंड कंबोशन रिएक्शन इथेनॉल एंड इथनोइक एसिड ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेज हटाए गए हैं एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट इतना पार्ट जो है वो केमिस्ट्री में डिलीट किया गया बायोलॉजी इन बायोलॉजी द डिलीटेड पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस तो इन बायोलॉजी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स सो द मैटर विच इज़ रिमूव्ड और डिलीटेड इज ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स ट्रॉपिक मूवमेंट्स प्लांट्स में नहीं पढ़ने हैं यानी कि निकटनिस्टिक मूवमेंट एंड सो ऑन जितने भी ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं वो आपको डिस्कस नहीं करने हैं वो नहीं पढ़ने हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स प्लांट हार्मोन्स दे रखे हैं वो आपको इसमें इस बार नहीं पढ़ने हैं प्लांट हार्मोन्स ऑक्सीज हैं जिब्रंस हैं साइटोकाइनिन है एप्सिसिक एसिड है, 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 है इनके ये चीजें नहीं पढ़नी है आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में क्या चीजें नहीं पढ़नी नर्वस सिस्टम वॉल्ट्री इन वॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शंस ये आपको डिस्कस नहीं करने हैं यानी कि नर्वस सिस्टम वॉल्ट्री इन्वॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन ये इस चैप्टर से रिमूव्ड पार्ट है केमिकल कोऑर्डिनेशन, यानी एनिमल हार्मोन्स नहीं पढ़ने हैं सेकेंड पार्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो है वो डिस्कस नहीं करना तो एक तरह से आपको इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काफ़ी रिलैक्सेशन मिला है सेकंड पार्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा मेजर पार्ट यहाँ से हटाया गया तो ये चीज़ नोट रखेंगे क्या चीजें आपको यहाँ इस बार कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रिमूव की गई हैं आई अगेन रिपीट ट्रॉपिक मूवमेंट्स इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन इन एनिमल्स नर्वस सिस्टम वॉल्ट्री इन वॉलेंट्री एंड एंड एक्शन केमिकल कॉर्डिनेशन के अंदर एनिमल हॉर्मोन्स दीज आर द पार्ट दार्टच इज रिमूव रिमूव फ्रॉम दिस चैप्टर नाउ इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ बायोलॉजी दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन तो हेरिडिटी पार्ट तो कंप्लीट आएगा उसमें कुछ नहीं हटाया गया केवल जो पार्ट रिमूव किया गया वो इवोल्यूशन में से किया गया है दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन केवल बेसिक कॉन्सेप्ट हटाए गए हैं क्लियर बाद का पार्ट जो है वो आएगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन को रिमूव किया गया है बाकी सारी चीज आएगी हेरिडिटी कंप्लीट आएगा तो इवोल्यूशन में आपको रिलैक्सेशन है एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन बायोलॉजी दीज आर द पार्ट्स व्हिच इज गोइंग टू बी या व्हिच आर रिमूव्ड सो स्टूडेंट्स नाउ इन फिजिक्स पार्ट वॉट इज वॉट आर द मैटर्स विच आर डिलीटेड सो अंडर यूनिट थ्री नेचुरल फिनोमिन वी आर हैविंग वन चैप्टर द नेम ऑफ द चैप्टर इज द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड इस पार्ट में क्या हटा फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई ह्यूमन आई में जो ह्यूमन आई के अंदर लेंस है उसकी फंक्शनिंग कम्प्लीटली हटा दी गई है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड करेक्शंस जितने भी विजन के डिफेक्ट्स माओपिया हाइपर मेट्रोपिया एस्टिगमेटिज्म ये पढ़ते थे ये चीजें हट गई हैं एंड एज वेल एज देयर करेक्शन ऑल्सो एंड द थर्ड थिंग इज एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज लेंसेज और मिरर के जो एप्लीकेशंस हैं वो हटाए गए हैं ओनली द एप्लीकेशंस क्लियर नाउ इन नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये फोर्थ यूनिट का चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट नहीं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या चीज़ें हटी हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर आपको नहीं पढ़ना है डायरेक्ट करंट नहीं पढ़ना है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी डी और ए ये दो चीज़ें डिलीट की गई हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ ए जो कि हम फिफ्टी हर्ड्स पढ़ा करते थे फ्रिक्वेंसी ऑफ ए वो हटा दिया गया है एडवांटेज ऑफ ए सी ओवर डी सी की जो एडवांटेजेस होती हैं वो हटा दी गई हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पार्ट को रिमूव किया गया है इतना पार्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिमूव किया गया है एंड लास्ट चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी फिजिक्स में ही आता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो जितनी भी इसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये दो रिमूव की गई हैं फसल फ्यूल सोलर एनर्जी बायोगैस विंड वाटर एंड टाइडल एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी कि इस पार्ट में भी बहुत बड़ा हिस्सा लगभग सारा ही हिस्सा हटा दिया गया है तो फिजिक्स में आपको ये तीन चैप्टर्स के अंदर डिलीटेड पार्ट हमने डिस्कस किए तो इस वीडियो में बेसिकली स्टूडेंट्स हमने आपको बताया कि 2020 एंड 21 के लिए सीबीएसई बोर्ड ने जो नियर अबाउट 30 परसेंट सिलेबस डिलीट किया है इस सेशन के लिए केवल बिकॉज ऑफ पेंडेमिक कोविड 19 वो पार्ट हमने यहाँ डिस्कस किया फिजिक्स का भी केमिस्ट्री का भी और बायोलॉजी का भी सो डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ें हमें इस सेशन के लिए नहीं पढ़नी है इसी वीडियो में आपकी हेल्प के लिए एक लिंक मिलेगा आई अगेन रिपीट आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं जहां सी का लेटर प्रोवाइडेड है एज वेल एज साइट प्रोवाइडेड है जिसमें कि नाइन्थ टेंथ और इलेवन ट्वेल्थ दोनों के लिए ही है ये तो नाइन्थ टेंथ पे आप क्लिक करेंगे और उसे क्लिक करने के बाद आपको सब्जेक्ट वाइज डिलीटेड पोर्शंस मिलेंगे इंग्लिश का मैथ का साइंस का कंप्यूटर uh, का एंड सो ऑन तो जो पार्ट भी आप वहाँ देखना चाहें देख सकते हैं और यहाँ हमने उस पार्ट को टेंथ क्लास के लिए डिस्कस किया है जिससे कि वो पढ़ने के बाद आप कन्फ्यूज़ ना हों सो so स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है इस सेशन के लिए इसे अच्छे से समझ लीजिएगा अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे और आगे के पार्ट को कंप्लीट करेंगे थैंक यू यू कैन सी द लेटर एंड इट्स साइट इन द डिस्क्रिप्शन